ब्यूटीफुल सिरेमिक पीस। और ये है हमारे सफर का हम सफर। तो गाइज गुड मॉर्निंग, नज़ारे देख लो हमारे रिसॉर्ट के, और हम निकल रहे हैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉकिंग पे। तो चलते हैं और देखते हैं नज़ारे कुछ क्या है काना का माहौल। मौसम बहुत ज़बरदस्त था, रात में गर्मी के टाइम में धुआंधार बारिश, बिजलियां चमक रही थी और भयंकर बारिश हो रही थी। तो ऐसा कुछ माहौल था कल रात में। और हमने सफारी बहुत अच्छे तरीके से की, और जैसे ही हम सफारी से वापस आए तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। और ये है हमारा ब्यूटीफुल रिसॉर्ट, द जंगल किंग रिसॉर्ट। रिसॉर्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सो रिसॉर्ट बफर जोन में है और लोकेशन बहुत ही शानदार है। खटिया गेट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। फैसिलिटी बहुत शानदार है, आप यहाँ पे कंप्लीट पैकेज भी बुक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फूडिंग और स्टे। और यहाँ का जो स्टाफ है वेरी फैमिलियर, वेरी फ्रेंडली, और सर्विस के बारे में मैं आई हैव नो वर्ड टू से, सिंपली फैंटास्टिक। और जो ऑनर हैं बट ऑबियस वेरी कोऑपरेटिव, वेरी फ्रेंडली। और अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको बिल्कुल जंगल का फील आएगा। लुक एट दैट, अगर किड्स हैं तो उनके लिए परफेक्ट, मस्ती के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे। फ़िलहाल तो हम अपने रिसॉर्ट में एक वॉक के साथ आपको कुछ सराउंडिंग दिखा रहे हैं। सो एज मैंने कल आपसे बोला था, ये है हमारे रिसॉर्ट का रिसेप्शन एरिया। तो हमारे भाई दिलीप पवार उठ के घूमने के लिए निकल पड़े हैं, तो हम चल रहे हैं थोड़े बाहर की तरफ। दिलीप भाई को पकड़ लेते हैं अपन। तो नींद नहीं आई शायद दिलीप को। दिलीप तो रात कैसी गुजरी, मतलब नींद के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छी गुजरी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बारिश के मौसम में मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप देख लो यार, अगर आप कहाना आए और यहाँ पे नहीं रुके तो आप ये मिस कर दोगे। व्हाट ए ब्यूटी इज दिस। और ये मेरी चाबी बिल्कुल अगर यहाँ पे गिर गई ना तो मछली के अलावा कोई दूसरा नहीं ला पाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। सामने है बर्ड वॉच पॉइंट, जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ले कर चलूँगा। हाँ, ये सामने जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये सीढ़ियों के थ्रू आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे पेट्स हैं। देखो डॉगी की आवाज़ आ रही होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। ये है कान्हा नेशनल पार्क का सारा मैप, जंगल किंग रिसॉर्ट कहाँ पे है। और सामने है हमारे डाइनिंग हॉल, और आपको दिखाएंगे थोड़े से डिटेल में। अभी हम चल रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ, और बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है जंगल किंग। और द ग्रेट नितेश भाई, और यह है स्विमिंग पूल की लोकेशन। नहाने के लिए बेताब है सम्स। पानी ठंडा नहीं है यार।
ब्रेकफास्ट चल रहे हैं। आओ 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 कम 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 हेलो बदक कम 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 तो भैया ने बुलाई हमें बहुत ही फैंटास्टिक चाय। क्या नाम है आपका? राधे केवट। तो राधे जी की चाय बहुत ही शानदार है, बिल्कुल कान्हा सफारी गेट के सामने। तो आप आएँ तो राधे जी की चाय। जब कुछ और भी टूरिस्ट यहाँ पे हैं मिलवाते हैं उनसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो। मिस्टर प्रदीप पात्रा हु इज़ फ्रॉम पुरी, ये है पुरी उड़ीसा से। तो पात्रा जी बताएँगे आपको जंगल किंग रिसोर्ट में कैसा लगा। तो सोचा ही नहीं था कि इतनी ही अरेंजमेंट मिलेगी यहाँ पे, जो बहुत ही बेहतरीन है। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। पात्रा जी फीलिंग सो 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 ब्यूटीफुल वंडरफुल एंड एक्साइटेड। और कमलेश भी है। कमलेश आप कहाँ से हो? बड़ा तो मध्य प्रदेश से है। तो कमलेश आप बताओ कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया, यहाँ पे आने के बाद बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम शानदार फैंटास्टिक। और यहाँ का जो प्रदेश है एकदम ब्यूटीफुल है, और वो अजय सिंह का जो शॉट था वो भी शानदार था एकदम। तो कमलेश जी का कहना है कि कल इन लोगों ने स्विमिंग पूल के अंदर बहुत धमाल किए, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। एक और हमारे गेस्ट जो यहाँ पे रुके हुए हैं, रूम नंबर क्या है आपका? 510। तो 510 आपका नाम? हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज शम्स तबरेज। सो इज शम्स तबरेज उर्फ मस्तानी। ओह माय गॉड, सो बहुत जबरदस्त डांसर हैं। कल इन्होंने बॉन फायर में एकदम दीवानी मस्तानी में दीपिका पादुकोण को भी मात कर दिया। हम इनसे कुछ भी नहीं पूछेंगे क्योंकि इनकी कलाकारी सब कुछ बयान कर देती है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इसी बीच में हमारे पास हमारे उभरते हुए चेहरे, हमारे दिग्गज एक और दोस्त सत्या भाई आ गए हैं। तो सत्या से प्रदीप सर कुछ पूछना चाह रहे थे, अब आप पूछ सकते हैं। कोई नहीं समझे, हिंदी में बोलो सब समझ। Thank you.
चलो ना चलो अभी पात्रा जी शांत करता पोटी नहीं कहना बच्चे पोटी करते शांत जाते हैं। पात्रा जी को अपने बचपन की याद आ गई कम कम कम। हेलो लाल गाइज वाले गाइज चीकू 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 अरे चीकू 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 ये चीकू गर्ल है। तो गाइज हम हैं जिला पंचायत मंडला द्वारा संचालित अरण्य एम्पोरियम कला दीर्घा हस्तशिल्प विक्रय केंद्र में राष्ट्रीय उद्यान कानक खेत पे। यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत सारी एंटीक पीस। तो चलते हैं अंदर बंदे खुला ओ गुड मॉर्निंग सर। तो यह है स्टोर ओनर, क्या नाम है भैया आपका? उइके जी को हमने उनके नींद में खलल डाला, सॉरी उइके जी। तो हमें यहाँ पे कुछ एंटीक पीस देखने को सामने है। आप चाहें तो यहाँ पे लोकल बनी बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। रिंग मॉन्यूमेंट्स पैंस सारी चीज़। तो हम यहाँ से करते हैं कुछ शॉपिंग खाना की मेमोरी की। और मुझे ये ईयरिंग आ रहा है बहुत पसंद है, तो एक खूबसूरत सी मैम हमारे साथ हैं। तो मैम आप क्या लेना पसंद करोगे बताओ यहाँ से। तो आप यहाँ से मॉन्यूमेंट परचेज कर रहे हैं खाना का शेर देखा आपने, तो शेर की फोटो ले लो। तो मैंने खरीदा है ये, आपने क्या लिया है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। तो शॉपिंग हो गई है पूरी। एक बहुत अच्छा ये शॉप है जहाँ से आप बहुत सारे हैंडमेड चीज़ें खरीद सकते हैं। काना घटिया गेट के मेन गेट के पास ही ये शॉप है और शॉप ओनर हैं उइके जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे दो प्रोडक्ट दिए। थैंक यू उइके जी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा। चीकू 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 अच्छा चलो अक्षय थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं। तो ये थे अक्षय भाई, बहुत ही अच्छी होस्टिंग की हमें, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी। डेफिनेटली हम लोग द्वारा फिर मिलेंगे और फिर से आएंगे। थैंक्स। तो अलविदा नज़ारो, फिर मिलेंगे। तो चलते हैं वापस। ये खूबसूरत ये हसीना है या फिर नहीं, ये दीवाना है। तो ये भैया हैं, क्या नाम है आपका? सतीश जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया बंदे हैं। स्विमिंग पूल हो या कल रात का बॉन फायर। तो सतीश जी थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे आपसे। तो वापसी का सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। मोहब्बत का हर एक फ़र्ज निभाना, अर्ज किया है कि मोहब्बत का हर एक फ़र्ज निभाना, ज़िंदगी चलती रहेगी फिर एक नए सफ़र पे ज़रूर जाना। तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम हम कर चुके हैं, इस बैग को पैक करना, और सवारी है रेडी। तो निकलते हैं, जय माता दी।
घने बांस के जंगलों के बीच से जाना होगा, क्योंकि फिर यहाँ अभी हाल फिलहाल में वापस नहीं आना होगा। सीरियस डिस्कशन हो रहा है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो बिल्ली खिल्ली? हम स्विमिंग पूल में जाएंगे जाएंगे। पापा को तो अपन लोग, हाँ पापा को पास में भी नहीं आने देंगे अपन, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या खेलेंगे, वॉलीबॉल। और उसके बाद हम लोग ड्रोन से एक फोटो लेंगे बढ़िया, फिर कैमरे से फोटो लेंगे। अब रोगे तो फिर फोटो अच्छी कैसे आएगी, है ना। डैडी को रखिए रूम में, रूम में रखिए।